पंजाब हिमाचल प्रदेश सीमा पर आज सुबह भारतीय सेना का वाहन ब्रेक फेल होने से खाई में गिरा। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि यह वाहन का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है। जब इस विषय पर थाना डमटाल प्रभारी हरीश कुलेरिया से इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि सेना का वाहन मीरथल से पठानकोट जा रहा था, जिसका ब्रेक फेल होने से वाहन चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और नीचे चक्की खड्ड में गिर गया, जिसमें 3 सैनिक घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए सेना के अस्पताल 168 में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल सेना और पुलिस ने घटना वाले स्थल पर आम लोगों को जाने पर पाबंदी लगा दी है। घायल हुए आर्मी जवानों में सिपाही नाजिम अली खान, सिपाही विष्णु, सिपाही विजेंद्र, जो कि मीरथल फील्ड वर्कशॉप में तैनात थे। देखिए पठानकोट से कंवल रंधावा की पूरी रिपोर्ट। सर आप ड्राइवर कौन था? मैंने दो को देखा, ड्राइवर दो वो ठीक थे, उनको कोई ऐसा कुछ ज्यादा दिख रही थी, आगे बैठे होंगे। सर आपका बयान लेना था, तो ले वीडियो लेने दिया आपका बयान लेना था, वीडियो वाइट नहीं मैं दे सकता, जो एक के पहले ले गए थे वो भी बोलते उनको थोड़ा ज्यादा चोट लगी है, जो दो थे वो थोड़ा ठीक थे। पिछले जाके स्लिप कर दें।